बैक टू माई चैनल। आज सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको मशरूम की सूखी सब्जी बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने लिया है एक पैकेट, मैंने मशरूम लिया है। इसको हम इस तरह से काट लेंगे और छोटा पीस करना चाहें तो आप ऐसे पीस से भी ऐसे काट सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है नमक और ये सारी सब्जियां जो हैं मैंने काट ली हैं। टमाटर दो लिया है मैंने, प्याज एक प्याज है, हरी धनिया, एक शिमला मिर्च है छोटा सा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरी मिर्च और अदरक कुटी हुई है, और ये मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, और ये मैंने गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, और ये मीट मसाला है। आप मीट मसाला ना डालना चाहें तो सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और ऑयल मैंने गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई में। तो चलिए हम इसको पहले काट लेते हैं मशरूम को, और जब तक ये तेल हमारा गर्म हो रहा है इसको हम बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही पीस रखेंगे। पकने पे थोड़ा पतला हो जाता है और बहुत जल्दी से बन भी जाता है। इसको आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, हम गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसमें जीरा डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च को थोड़ा सा सॉफ्ट करने कर लेंगे। प्याज हो गए हैं, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, नमक डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने शिमला मिर्च को थोड़ा सा सॉफ्ट करके और निकाल लिया है। टमाटर थोड़े से हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसको हम चला लेंगे और मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं, मसालों ने तेल को छोड़ दिया। अब हम इसमें मशरूम डाल देंगे और ये शिमला मिर्च जो हमने सॉफ्ट करके थोड़ा सा रखा था इसको डाल देंगे और मिक्स करके थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। अभी मशरूम भी इसमें पानी छोड़ेगा तो हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको ढक के 4-5 मिनट पकने देते हैं। बीच बीच में हम इसको चला देंगे। तो देखिए मशरूम में कितना पानी छोड़ा है। अगर आप ऐसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं, वरना थोड़ा सा इसको सुखा लीजिए। तो देखिए सब्ज़ी अच्छे से बन गई है, सूख गई है। अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे, गरम मसाला और सब्जी मसाला या मीट मसाला, आप जो भी डालना चाहें। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, हरी धनिया डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ करके सब्जी सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए सब्जी बनकर तैयार है। आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।